विराट कोहली के साथ आपकी मुंह मारी हुई वो क्या वजह थी यार? उसने मुझे बोला कि जुम्मा जुम्मा आठ दिन हो गए आप क्रिकेट में आए और आप इतनी बातें करते हो मैंने कहा बेटा जो आप अंडर 19 थे ना तो उस टाइम तेरा बाप टेस्ट क्रिकेटर <laughs> ये चीज ऐसे ही बोला था ये ये चीज़। ये चीज़। इस... इंडिया का एक बॉलर है उमरान मलिक आया है एक नया जो 155 प्लस करता है और उसने अभी कोई स्टेटमेंट दिया है कि मैं शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा हाँ ऐसे इतने तो बहुत है ये तो मेरे बहुत डोमेस्टिक बड़ी पड़ी हुई है हमारी एक चीज तोड़ सकता है उसका ब्रिकार्ड शुेब अख्तर का वो बॉलिंग मशीन नहीं है आ, आ, वो तोड़ सकता है बाकी इंसान नहीं तोड़ सकता अच्छा सुल खान आई आप 2009 में डेब्यू किया तो पाकिस्तान के प्लेयर्स आई खेलने गए थे आपको क्यों नहीं ऑफर हुआ हफीज भाई ने मुझसे कॉन्टेक्ट की कि यार शुेब अख्तर फिट नहीं है शाहरुख तुम्हारा पूछ रहा था शाहरुख खान भाई मैंने कहा गरीब का शाहरुख खान वो नहीं रहे। अच्छा <laughs> वो आप तो आ, आया होगा शाहरुख खान पूछ रहा है शाहरुख खान पूछ रहा है आफ्टर बाबर आजम फ्यूचर आप किसको कप्तान देख रहे हैं इस टाइम टीम में किस में किस ऐसी एबिलिटी है जो की कप्तान बन सकता है जैसे विराट कोहली इंडिया में आया और उसने टीम को एकदम तब्दील कर दिया जो नजर आ रहा है जो पाकिस्तानी टीम को ऊपर ले जाए वो है शाहीन इंडिया में खेलने की ख्वाहिश क्योंकि मुझे लगता है आप इंडिया में नहीं खेले जाके नहीं मेरी कभी, कभी, भी ख्वाहिश नहीं है खुदा, है खुदा की कसम इंडिया में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीज खवातीन और हजरात मैं हूं नादिर अली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और हिंदुस्तान खेलना नहीं है इनको आसान क्योंकि तेज गेंद करता है सुहेल खान असल वाले वरह क्या हाल है सुहेल जी खान अकबल सोलह माता पिशा को जबरदस्त है जितनी आती थी पचत तो बोल दी मैंने सही बोली आपने बिल्कुल अकबल सड़े अकबल सड़े क्या बात है ठीक ठाक करियर शुक्र है सुल खान टीम में ना होना इस वक्त इसका जिम्मेदार कौन है आप हैं या कौन है बहुत मुश्किल सवाल पूछा पे मुश्किल से स्टार्ट लेंगे भाई। इस टाइम टीम में नहीं आ। आ, मेरे ख्याल से मैं खुद को भी कसूरवार समझता हूँ अच्छा आ, क्योंकि शायद मेरी मेहनत कम हो और मैं टीम में नहीं आ सका और एक ये कि जो इससे पहले मैनेजमेंट थी जो सेटअप थी जिसकी आ, रमीज राजा साहब वाली हाँ शायद वो भी हो सकता है शायद शायद मतलब बहुत सेफ खेल रहे हैं आ, उसका वजह ये है कि मैं मतलब इतनी यकीन के साथ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस डोमेस्टिक लेवल पे यानी अभी करंटली मैं नेशनल टी ट्वेंटी का बेस्ट बॉलर हूँ आपका अच्छा मैं के पी एल जो कश्मीर प्रीमियर लीग हो रहा है उसका बेस्ट बॉलर हूँ अभी करंटली हैट्रिक भी की उधर फिर आप उससे पीछे जाएं मैं वनडे का बेस्ट बॉलर फिर उससे पहले डोमेस्टिक शुरू होता है पोर डे यानी पिछले साल की पूरी परफॉर्मेंस आके अभी इधर फिनिश हो रही है तो इस साल फिर यह है कि पूरी मेरी परफॉर्मेंस ना टॉप टेन जो पाकिस्तान में लड़के अनाउंसमेंट होते थे टॉप टेन की जिस परफॉर्मेंस थी उसमें से मेरा नाम भी होता था अब यह है कि इस साल मैं ज़रा फैमिली की वजह से मैं डोमेस्टिक पोर डे मैच नहीं खेल सका और नेशनल वनडे अभी फिर मैं खेल चुका हूँ मगर वो भी अभी सिस्टम थी उन लोगों की तो उस सिस्टम में मतलब ये हम वनडे में फिट नहीं हो रही थी एक मैच दिया तीन में बिठाया फिर एक मैच दिया फिर बिठाया मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चार पाँच वनडे में की और अभी इंतजार कर रहे हैं कि नंबर आए कि अगर पी में पिक हो गई तो जो मैं पिछले पूरी साल के जो मैंने परफॉर्मेंस किए हैं ठीक है पीछे से जो मैं आके आ रहा हूँ तो इन श्ला पी एस एल में मगर पी एस एल में मेरे ख्याल से मैं अभी आ, मतलब फिक नहीं हुआ हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि बीच में अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़े किसी भी टीम को तो मैं अवेलेबल हूँ अलहमदिल्ला अपनी ट्रेनिंग जारी है सुना है फास्ट बॉलर के घुटनों की लाइफ होती है हाँ आप जमीन पर यूँ यूँ छल रहे हो हाँ। दस दस ओवर करा रहे हो जी जी टी ट्वेंटी में चार चार ओवर मैच में तो लाता दर तो घुटने खराब हो जाते हैं जल्दी ना घुटनों की इंजरी हो जाती है पता नहीं क्या क्या तो आपके घुटने इस टाइम कैसे हैं ठीक है जी अलहमदुल्ला खराब क्यों होते हैं है? फलजीत नहीं खाते खराब <laughs> <laughs> <ये laughs> तो उससे अगर आप उस पर ज्यादा लोड डाल देते हो या आप कोई कंटिन्यू थेज बॉल करते हो ठीक है और आप रिकवर नहीं कर सकते तो उससे घुटने खराब हो जाती है वरना ये घुटनों के अगर आप ख्याल रखोगे तो ये चलते रहते हैं ना हाँ। नहीं आप पाए वाए का शोरबा पिया करें अच्छा मैं बता रहा हूँ वो होता है ना नल्ला बड़ा वाला नल्ला, नल्ला, पट, नल्ला। पट, 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 नल्ले नल्ले डायरेक्ट जाके <laughs> मैं 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 अच्छा। तो तो बॉलिंग कहीं और करता हूँ जी हूं मैं बॉलर अच्छा खतरनाक वाला करेंगे ये भी ट्राई करेंगे यार एक बात बताएं जी जी विराट कोहली के साथ आपकी मुंह मारी हुई वो क्या थी यार वो इतना अच्छा आदमी इतना बड़ा प्लेयर आपने उसके साथ क्यों बुमारी की थी यार विराट कोहली एक नाम है एक ब्रांड है वो ब्रांड है बहुत बड़ा बैट्समैन है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी मगर अगर मेरे साथ या मेरी जात के ऊपर कोई मतलब मेरे साथ क्रिकेट में क्योंकि मैं एक मूल से खेलने गया हूँ मुझे पर्सनल आप कोई कुछ भी बोलो कोई नहीं मगर जब रस्सी के अंदर चले जाते हैं और आपके सामने मेरा साथ मेरा मुकाबला है तो फिर मैं नहीं गिनता किसी को कि मेरे सामने कौन है कौन खड़े हुए हैं कोई नहीं है क्योंकि मैं मुल्क के खातिर जब जाता हूँ और मैं जब बॉल करता हूँ ठीक है तो मैं सामने किसी को गिनती में नहीं लाता मेरा काम है इसके विकटें उड़ाना और उड़ा दी उसकी विकटें तो इसलिए वो थोड़ा सा क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि मैं किसी को नहीं जानता ये इंटरव्यू पड़ी होगी मेरी ला, उस उससे जब मैं वर्ल्ड कप में मेरा नाम आया मैंने कहा मैं नहीं जानता किसी को जो भी मेरे सामने आए, कौन सा वाला साल 2015 में 2015 में हाँ नहीं विराट तो तब भी ऊपर था कहाँ था नहीं ऊपर से मुराद मतलब एक नाम तो बन चुका था हाँ होगा आहाँ. मगर नाम तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े थे शाहिद अफरीदी वो क्या था फड्डा क्या हुआ था उसने क्या कहा था आपने क्या कहा था नहीं वो तो मैं मीडिया पे ये बोल चुका था जैसे अभी आपके सामने बैठा हूँ किसी ने एक अभी ने सवाल किया कि भई आप वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हो और पहला मैच इंडिया के अगेंस है और उसमें जो है ना विराट कोहली है धोनी है ये है वो है रोहित शर्मा है वाकई वो प्लेयर है गुड प्लेयर बड़े नाम है मैं इज्जत करता हूँ प्लेयर की मैं हमेशा इज्जत करता हूँ मगर मैंने कहा अगर मेरे साथ उसका मैच हो मेरे सामने आए तो मैं आउट कर दूंगा उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा सही है मैंने कहा जितनी इसकी बैट्समैन है सब आउट करूंगा इतने बड़े बड़े कैसे आउट करोगे मैंने कहा ये लो मैच जब शांत नहीं हुआ पांच जो के पांच आउट हो गए पांच आउट पांच के पांच जो ऊपर बैट्समैन थे टॉप ऑर्डर उड़ा दी तो विराट कोहली ने क्या कहा था आपको <laughs> मुझे क्या कहा उसने सिर्फ ये कहा मैं बैटिंग पे आया खुल तो... के बताए ना यार आप हाँ खुल के बताए घबराया नहीं किससे बस किसी से भी नहीं घबराया खुल के बताए वो बात क्या हुई थी विराट कोहली से आपकी वो बताए विराट आया उसने विराट आया उसने मुझे बोला कि जुम्मा जुम्मा आठ दिन हो गए आप आ, क्रिकेट में अभी आए और आप इतनी बातें करते हो ये उसने बोला हाँ अच्छा तो मैंने उसको बोला मैंने कहा बेटा जब आप पाकिस्तान इंडिया अंडर नाइनटीन खेल लेते ना तो उस टाइम मैं टेस्ट क्रिकेटर था मैं तो 2006 हज़ार में खेला था टेस्ट क्रिकेट वगैरह सब कुछ फिर मैं बीच में वही घुटनों का

और दूनी आके इसको बोला कि विराट कोहली साइड पे हो जाओ ये पुराना चावल है तुम नहीं जानते इसको अच्छा हाँ। अच्छा मतलब इतनी आवाज ऊंची हो गई थी कि ये दो चार लोगों ने सुन लिया करीब के रेडियस के बंदों ने हाँ 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 बिल्कुल ओह हो हो तो कोहली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा सीधा गया उधर खड़ा हो गया तुमने कहा पठान उल्टा दिमाग का आदमी भी हो सकता है भाई हर खोपड़ी हो सकता है कुछ रेस्पेक्ट अपनी जगह आ, उसकी रिस्पेक्ट मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत बड़ा बैट्समैन है बहुत ज़बरदस्त है और उससे कहीं अच्छा जो है ना वो मुझे जो लग रहा है मैं बॉलर बात कर रहा हूँ एज ए टेक्निकल जिसकी टेक्निक अच्छी है वो रोहित शर्मा है बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी बहुत लेट खेलता है।, है बहुत टाइम है उसके पास स्ट्रगल कर रहा है क्रिकेट है पंद्रह बीस साल से राज भी तो कर रहा था दस बारह साल से तो वो राज भी तो कर रहा था अच्छा आप कोहली से बड़ा प्लेयर उसको शर्मा को मानते हैं रोहित शर्मा को हाँ प्लेयर ये नहीं कि रंस तो देख कोहली जो खेलता है वो अपनी फिटनेस पे खेलता है ठीक है उसके पास शॉट्स भी तो है है तो उसकी फिटनेस इतनी है कि वो फोरन उसके अगर आप आप ये देखो वो रन बनाते हैं ना तो अगर एक रन हो तो वो दूसरे के लिए भी कोशिश करता है दूसरे रोहित शर्मा नहीं करता एक रन हो तो एक ही ले लेते हैं दूसरे के लिए कोशिश ही नहीं करता तो ये होती फिटनेस। है फिटनेस रोहित करता है बल्ले से रन और ये विराट कोहली बल्ले पे भी कोशिश करते हैं और ठागू से भी रन ज्यादा लेते हैं भागता ज्यादा तो ये अच्छी बात है कि जब आपकी फिटनेस अच्छी हो तो वो अलग ही दिखता है वो नजर ही आता है तो ये कि वो गुड प्लेयर है अभी जो हारिस राउफ को जो छक्का मारा है उसने पीछे हटके ही स्ट्रेट का जो मारा है किसने खुली में वो मेरे ख्याल से शहीन को मारा था हारिस राउफ को मारा था हारिस राउ को मारा था वो कितना आपने वो छक्का देखा था तो छक्के तो लगते रहते हैं कितना मुश्किल शॉट था नहीं नहीं कोई भी नहीं उसने हाँ? रूम बना दिया सीधा सीधा मार गए हार्ड लेंथ पे बॉल की हार्ड लेंथ पे हम बॉल करते ताकि बैट्समैन के इस एरिया पे आए और ज्यादा से रुके सही है वो बैट्समैन अच्छा था वो क्विक था फिट था वो थोड़ा पीछे हटा रूम बनाए सीधा छक्का दो शार्टें लगती थी अगर ये थोड़ा दूर करता तो कवर पे लगता और थोड़ा बीच में किया तो सीधा चक्का और उसने राउू का बॉल ही यही था गुड बॉल पे अच्छी बॉल पे अच्छी शॉट अच्छी बॉल पे अच्छी शॉट ये इसमें मतलब आप बॉलर को आप कोई गुना नहीं सही है, सही है। वो नहीं बोल सकते कि यार आपने गलत बॉल नहीं, नहीं बहुत अच्छी कर रहा था बॉल अच्छी बॉल पे अच्छी शॉट मार ली उसने यही होता है क्रिकेट अच्छा हारिस राउू कैसा बॉलर है हारिस पे ही बात हो रही है तो एज अ बॉलर आप जरा झगड़ा बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान टीम की मतलब ये जो पाकिस्तानी टीम है उसमें से हारिस और शाहीन और अभी नसीम शाह इन हो गए बेहतरीन गुड ये तीनों शाहन तिगड़ी कंटिन्यू की मैं दुबई में था और मैं पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया देख रहा था पकड़ के रखा हुआ था बिल्कुल सच बता बताओ तीन ओवर हुए जिससे मैच पाकिस्तान के पास से निकला है वरना सत्रह ओवर तक और पाकिस्तान के पिछले बीस अवर बीस और सत्रह कितने हो गए सैतीस ओवर पाकिस्तान ने मैच पकड़ के रखा था ये आखिरी वो जो शाहीन अफरीदी को छक्के पड़ गए और वो उसने पीछे से ये दे दिया ये चुम्मी ये चुम्मी ये चुम्मी ये जिससे मैच निकल गया वरना पाकिस्तान उस उस दिन डिजर्व करता था ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की बात हो रही है अच्छा आप उधर बैठे रहना बैठा हुआ बस फिर देख लो आप मुझे पनौती बोल रही है सुहेल खान पूरा पाकिस्तान बोल रहे हैं नादिर अली तुम ना जाओ तुम पनौती हो <laughs> जी अच्छा एक बार बताओ अच्छा इंडिया पे ही बात हो रही है शुएब अख्तर पाकिस्तान का क्या दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर बिल्कुल 100% 160 161 उसकी एक है बिल्कुल सबसे पहले तो ये बताओ शुएब अख्तर का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है इस टाइम आपके पास कोई ऐसा आपके जहन में या कोई जो देख रहे बॉलर कोई है ऐसा क्योंकि ये सवाल मेरा लिंक हो रहा है इंडिया का एक बॉलर है उमरान मलिक आया एक नया है जो 155 प्लस करता है हाँ और उसने अभी कोई स्टेटमेंट दिया है कि मैं शुेब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा एक चीज़ तोड़ सकता है उसका रिकॉर्ड शुएब अख्तर का रिकॉर्ड हाँ वो बॉलिंग मशीन नहीं है हाँ वो तोड़ सकता है बाकी इंसान नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसका वजह यह है कि शुब अख्तर जितना मेहनत करता था ना तो ये जो महीने में लड़के राउंड लगाते हैं ठीक है तीन पांच राउंड मतलब ये हफ्ते में या रोज़ाना राउंडे लगाते हैं एक प्लेयर एक क्रिकेटर महीने में कितने राउंड लगाते होंगे अंदाज़ा नहीं है मतलब ये हफ़्ते में उसको दो दिन रनिंग चाहिए ठीक है लॉन्ग रनिंग हफ्ते में दो दिन लॉन्ग रनिंग चाहिए तो मतलब एक कि पाँच राउंड अगर वो लगाते हैं तो एक वीक में दो राउंड और फिर अगली वीक में दो चौबीस यानी एक महीने में कोई पाँच छः राउंड लगते हैं आ, वो इस यानी एक में, एक दिन में शेब अख्तर बत्तीस राउंडे लगाता था ये मैं देखता था एक ग्राउंड के हाँ और पूरे किताबी ग्राउंड के तीस तीस बत्तीस बत्तीस राउंड है ये तो और मैं था ना। मैं हफ्ते में दस राउंडे लगाता हूँ अच्छा 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 मतलब मैं हफ्ते में दस राउंड लगाता हूँ भाई पांच आज लगा दी

ठीक है वजन पीछे और नीचे लड़का उस पर बीस बीस पच्चीस पच्चीस पचास पचास के लोग के स्प्रिंटे वो स्प्रिंट लगाते थे और वेट पीछे कहते थे उसकी जो ये ताइज है ना जो आप बोलते हैं नली खा के तो शुैब भाई यही खाते थे शुभ भाई खाते थे वो हफ्ते में एक आधा दिन वो ये हमें भी बताते थे क्योंकि अब मैं शुयब भाई के साथ खेला हूँ थोड़ा बहुत खेला हूँ मैं उसके साथ तो बोला भाई थगड़े हो जाओ इधर से थगड़े हो जाओ तो उसकी जब मैं जब वो शॉट पहनते थे और मैं जब उसको देखता था ना जब वो भागता था तो यकीन करो कि मैं और वो रन कर रहे हैं और रनअप पे वो जब भागता था तो ज़मीन की आवाज़ आती थी धप 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 इस तरीके से वो भाग के और जब बॉल फेंकता था तो यकीन करो कि जैसे हार्ड लेंथ पे बॉल पड़ता था और इधर से कामरान भाई के ऊपर से भाई कोई सा भी विकेट हो तो वो एक अलग चीज़ अब मैं आप मुझे बोलोगे कि यार अगर वसीम अकरम जैसे कोई बॉलर आ जाएगा नहीं आ सकता वसीम अकरम जैसे बॉलर बॉलर कैसे आएगा वो भाई स्विंग मास्टर कितना दस पाँच कदम से बॉल करता था शोल्डर में इतना जान इतनी हाइट इतनी ज़बरदस्त उसकी वक़ार यूनस देखो कहाँ मिले आपको ऐसा बॉलर नहीं मिल सकते सकता तो इंडिया में आपको दूर दूर तक अभी कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आया मेरे ख्याल से ये उमर लड़का अच्छा बॉलर है मैंने देखा एक मैच आधे में थोड़ा सा बेहतरीन भागता थगड़ा है हर चीज सही कौँ? है ये मेरे ख्याल से इंडिया उमरान मलिक तो अगर पांच बॉलरों और एक सौ पचास वाले हो ना तो मेरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसे मैं कोई अभी भी 12 से 15 लड़के निकाल दो जो टैप बॉल खेलते हैं जो एक, एक, एक पे बॉल करते हैं लेकिन सुहल खान टेप बॉल और हार्ड बॉल में फर्क नहीं है स्पीड लाहौर कलंदर के जो कभी ट्रायल्स होते हैं ना ठीक है तो आप कई नादिर भाई छले जाए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अच्छा आ, वो तो ऐसी है, आप ये उमरान मलिक की स्पीड के हाँ ऐसे इतने तो बहुत है नहीं ने करें ने है। ने ने बहुत डोमेस्टिक बड़ी पड़ी हुई हमारी ये अभी हमें इंडियन पाकिस्तानी का इंडियन हमारे हमारे डोमेस्टिक में आना हमारे डोमेस्टिक से फिर मतलब ये आप आगे निकलते हो ना तो आप बॉलर बन चुके हुए होते जैसे शहीन आया नसीम शाह आ गया हारिस सरूफ आया मतलब है कि ये बॉलर ऐसे है जो माशाल्लाह से इन लोगों को बॉलिंग करने का पता है कितने मैं निकाल के दूं आपको मगर ये कि इन लोगों को अब क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि क्रिकेट कोई भी अगर बोले मैं सीख गया तो आज टंडोलकर से आप पूछ लेना वो भी बोले मैं अभी भी सीख रहा हूँ ठीक है ये तो एक बड़ी समंदर है इसमें अगर आपने छलांग मार दी तो बस तैरते रहे यार पाकिस्तान दुनिया बोलती है पाकिस्तान इज लैंड ऑफ बॉलिंग मतलब मोहम्मद आसिफ गुड ओ। बॉलर ओ। बोलो कुछ बोलो मोहम्मद आसिफ क्या कुछ भी बोलो यार लेजेंड 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 था था वो कह रहा गेंद मुझसे बात करती थी बिल्कुल हाँ मोहम्मद आसिफ का ये था कि उसने कंडीशन जैसे कंडीशन मिलती थी ना जैसे थोड़ा सा सीम स्विंग सु, सु, वाला फिर तो वो बहुत खतरनाक होता था फ्लैट विकेट पे भी ठीक था फ्लेट फ्लेट विकेट पे इसलिए कभी कभार मार उसको पड़ती थी क्योंकि उसकी पैस इतनी नहीं थी पेस नहीं थी मगर उस पर भी वो इतना डेंजर होता था आप यकीन करें नया बॉल तो उसका बहुत डेंजर होता था नए न्यू बॉल पे जो वो बॉल करता था तो वो काफ़ी उसका जो बॉल पड़ता था ना वो सीम करता था स्विंग उसके पास इतना नहीं था मैज अ बॉलर जो मैं उसकी बॉलिंग देखता हूँ या मैं कभी कभार अलहमदिल्ला मेरे जाता हूँ तो उसके साथ मैं लीक वगैरह मुलाकात होती है आसिफ भाई से और ज़बरदस्त सात अलावा बहुत अलावा है तो उसको जब मैं देखता हूँ तो वो अभी भी वही करने की कोशिश करता है मगर ये कि अब थोड़ा रह गया रह गया रह गया अच्छा लेकिन जो वो कर चुका है इमरान खान उसके लिए शाउट आउट दे रहा है हाँ उसके लिए वसीम अकरम शाउट आउट दे रहा है उसके लिए शेब अख्तर बोल रहा है बिल्कुल इंडियंस बड़े लीजेंड्स बोल रहे हैं कि यार आसिफ जैसा बॉलर नहीं देखा हाँ इसको बोलते हैं जाया होना जाया होना वो जाया हो गया अच्छा जाया हो गया अब क्या बोल सकता हूँ मैं उसके लिए अच्छा मोहम्मद आमिर और शाहिन अफरीदी का अगर हम कंपेरिजन करें आप एज अ बॉलर या पाकिस्तानी टीम के प्लेयर आप दोनों को किन किन किसको अच्छा समझते हैं शाहीन या आमिर? यार इस वक्त अगर मुझसे पूछू ना इस वक्त ठीक है मैं बॉलर दोनों मेरे भाई हैं दोनों मेरे दोस्त हैं ठीक है, है दोनों उनकी टेक्निक पे बात हो रही है आ, दोनों मेरे साथ अच्छी मेरे इज्जत करते हैं मेरे जूनियर है ठीक है ये आमिर भी मेरे सामने आया शाहीन भी मेरे सामने आया और जो हमसे हो सका हमने इसको बताया भी सिखाने के लिए मगर इस वक्त शाहीन और आमिर में ये फ़र्क है कि मैं जब बॉलर देखू तो शाहन ऊपर है इतना इतना ऊपर उसका वजह बताता हूँ ना ये मतलब है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शाहीन की तारीफ करूँ आमिर बहुत गुड बॉलर अच्छा। हर चीज़ पर शाहीन तो खैर अभी इंजर्ड हो गए मगर शाहीन जब बॉल करते हैं तो उसकी फिटनेस इतनी तो दिन में पैंतीस ओवर करता है शाहीन हाँ और एक स्पीड और एक रिदम से करता है फिर उसके साथ वो फील्डिंग कैसा करता है फील्डर कैसा है दूसरी बात है कि बॉलिंग से चुपता नहीं है जब आप उसको बोलो कि आपने पाँच ओवर की यार आप थोड़ा मतलब ये कि अगर आप फौरन दोबारा बॉल देना चाह रहे हो ना तो वो बोले मुझे दो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा। नहीं बोले कि यार दस पंद्रह मिनट तो मुझे रोकने दो यार साइड पर चला जाऊ थोड़ा सा मैं पानी पीऊँ नहीं 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 मुझे दो मैं मैं कर रहा हूँ अच्छा भूख है भूख है और दूसरी बात है कि उसकी हाइट जो है ना वो बहुत ऊपर है उसकी हाइट कितनी है वो सिक्स सेवन एट है मुझसे दो इंच वो भी लंबा रहा है हाँ सिक्स सेवन है नहीं नहीं ये तो आलम चन्ना की हाइट थी भाई भाई सिक्स थ्री मैं हूँ थ्री कहाँ से हो होगा आप सिक्स थ्री है Yes, six three? Sorry, बताये, 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 सेल में भाई आप तो, तो, <laughs> ये 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 तो नाराज तो अच्छा, नहीं यार मैं गूगल मैं अभी अभी गूगल कर लेता हूँ वो हम बात कर रहे थे हाइट की हाँ ठीक है ये अभी गूगल हो जाएगा जाए बिल्कुल चेक करें सही है अलम छन्ना तो भाई सात वो इरफान सात फुट पांच इंच का था वो हैं कौन इरफान वन पॉइंट नाइन एट मीटर अच्छा वन पॉइंट नाइन एट मीटर को हम कर रहे हैं फिट में सिक्स फिट फाइव पॉइंट नाइन हाँ सिक्स पॉइंट फाइव है ऑलमोस्ट सिक्स पॉइंट फाइव

आपको क्यों नहीं ऑफर हुई हाँ एक तो मैं उस टाइम पहला मेरा एंट्री हो गई थी डोमेस्टिक क्रिकेट में और मैंने परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मेंस था मैं उस टाइम और पाकिस्तान मेरे ख्याल से मैं खेला था या नहीं नहीं खेला था मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में था अभी जैसे डोमेस्टिक शुरू हो गई तो मैं टॉप पे जा रहा था तो शाहरुख ने शुैब भाई ये जो जिस मैच में उसने चार आउट की थी आपको याद होंगे चार ठीक है उस टाइम हफीज़ भाई ने मुझसे कांटेक्ट की कि यार शुब अख्तर फिट नहीं है उसके नी में कोई प्रॉब्लम है तो ये है कि भाई वो शाहरुख खान ना वो यही पूछ रहा था कि पाकिस्तान में ऐसा है इस तरीके का कोई तेज बॉलर है तो भाई वो ले के आओ शबा शुैब अभी इस मैच के लिए फ़िट नहीं है ठीक है तो उसको तो मेरे ख़्याल से शुेब भाई ने फिर बता दिया कि नहीं मैं वो वाशरूम में कहीं गिरा हुआ था या कुछ ऐसा उसके घुटने में कोई तकलीफ़ हुई थी ठीक है तो हफीज भाई ये मुझे बता रहे थे कि भाई वो शाहरुख तुम्हारा पूछ रहा था शाहरुख शाहरुख अच्छा। <laughs> तो हाँ। रहा शाहरुख अच्छा। अच्छा। ने कहा, आपको। हफीज अच्छा। ने कहा। अच्छा। फिर... तो ये मौका ये था मगर वो शुभ भाई फिर पिट हो गए खेल गए चार आउट गए याद है आपको वो बहुत तेज बॉलिंग की जिसमें शाहरुख खान ने उन्हें गोद में झप्पी डाली थी हाँ बिल्कुल याद है गोद में आकर जी 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 बहुत खुश हुए थे शाहरुख खुश होता है पाकिस्तानी बॉलर अगर परफॉर्म करे तो शाहरुख खुश होता है अच्छा <laughs> हाँ तो आपको ये मलामत है कि शेब क्यों फिट हुए नहीं फिर क्योंकि शुेब भाई ने जो परफॉर्मेंस की ना उस मैच में और जितना वो खुश था तो जिस तरीके से उसने बॉलिंग की मुश्किल है अगर मैं ऐसा परफॉर्मेंस करता अच्छा हाँ क्योंकि उसने जिस बैट्समैन वर्कआउट किया मेरे ख्याल से एक था दिलशान और एक सिवाक सिवाक को पहले आउट किया सिवाक फिर उसके बाद उसने आउट किया एबी डिविलियर को हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर ये चार बैट्समैन बहुत बड़े बैट्समैन थे सारे सारे और, और कड़वे तीन ओवर में कड़वे हाँ। शिवाक उसके तो वो शिव अख्तर हाँ। ने कहा ना इतने बाल नहीं है जितने पास मेरे पास माल है अच्छा हाँ हाँ ये बात बोलिए भाई आपस में दोनों की लगती है गौतम गंभीर इंतहाई करेले का फर्स्ट कजन कड़वा पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बोलता है अपनी ऑडियंस को खुश करता है यार आप जब देखते हैं ये अच्छा तो हैं ये वो पाकिस्तान बोलता है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बहुत दफा गौतम गंभीर गौतम गंभीर कहता है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज ही नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए इंडिया अच्छा वो उसके वो भी लोग सुनते हैं जी, जी जी उसको उसकी भी बातें सुनते हैं उसको भी सुनते हैं चार फिट के वो राजपाल यादव का भाई मैं मुझे मैं तो जानता भी नहीं कौन है अच्छा नेक्स्ट अच्छा वाह वाह ये क्या एटीट्यूड चाहिए ये गौतम गंभीर इंसान बन जाओ यार देखो नफरतें तो पहली बटी हुई है क्यों ना हम अब प्यार बांटें एक अंग्रेजी में सेंग है वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कान्ट चूज अवर नेबर ये मैं अक्सर बोलता हूँ ये आप भी जुमले ये सेइंग को सीखें समझें ये सेइंग क्या कह रही है कि भाई हम दोस्त तो चुन सकते हैं पड़ोसी नहीं चुन सकते तो पड़ोसी सवाल कर है अक्सर <laughs> हम लोग बात करते हैं यार एक क्रिकेटर की मैच फीस इतनी ज्यादा होती है बल्कि अब तो बच्चा घर में पैदा होता है बेटा तो ये दुआ की जाती है क्रिकेटर पैदा हो जाए क्रिकेटर बन जाए तो मैच फीस बहुत ज्यादा होती है तो पाकिस्तान की मैच फीस और इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड की मैच फीस जरा कंपैरिजन करें क्या है आप मैच फीस क्या होती है आप लोगों की नहीं मैं तो आ, मुझे तो उन लोगों का पता नहीं यकीन करो ठीक है आप ही समझा दो पच्चीस पच्चीस हजार पच्चीस से तीस हजार डॉलर मैच फीस इंटरनेशनल की इंटरनेशनल की अगर कोई इंडियन प्लेयर टी खेल रहा है इस टाइम आईसी का इवेंट खेल रहा है तो पच्चीस से तीस हजार डॉलर अप्रोक्सीमेटली होगी ये भी मैं पुराने बता रहा हूँ रेट हो सकता है अब आई हो यार जब मैं खेला था तो मेरे ख्याल से हमारी चार पाँच हजार डॉलर इतनी हाँ दो हज़ार उन्नीस तक मैं कुछ खेला हूँ इतनी ही हमारे चार पाँच हज़ार डॉलर पर मेज पीस था आ, आप पच्चीस की बात कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा है हम फिर उन लोगों के मुकाबले में नहीं है आ, ये फोर फाइव टाइम मल्टीप्लाई कर लें आप डबल ट्रिपल चार गुना पाँच गुना तो वहाँ का जब भी तो बहुत ज़्यादा हाँ, इतनी नहीं है, इतनी इतनी नहीं नहीं है लेकिन तो ये पांच हजार डॉलर भी खान ये कम तो नहीं है ना। नहीं, आप नहीं, नहीं। दा। दा। को आप उन्नीस में होगा अभी दो सौ पचास है ना दो सौ चालीस है या दो सो तीस हाँ इतना ही है ना आप एक सौ अस्सी कर लें चले एक सौ अस्सी कर लें 9 ,00 9 ,00 नौ लाख रुपए नौ लाख रुपए मैच फीस नॉट नॉट अ जो क्या तो जबी तो ये मेरे ख्याल से टेस्ट में टेस्ट मैच में ना जो फोर डे फाइव डे मैच होता है उसकी होगी अगर नौ दस बारह लाख रुपए होगी बाकी मेरे ख्याल से वनडे और टी ट्वेंटी की शायद कम हो हाँ और ये कैटेगरी के हिसाब से देते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के ए कैटेगरी में हो तो आपकी बारह या तेरह लाख रुपए मैच फीस होगी आप बी कैटेगरी में हो तो आप शायद आपकी दस हो और आप सी में हो तो आपकी और नीचे होती है ये है ये अभी उन्नीस तक, तक तो मैं यही देखता रहा अब शायद ये दो तीन साल में इन लोगों ने और अच्छा रमीज भाई ने शायद बीच में कुछ किया हो मगर मैं ज़्यादातर उन चीज़ों में नहीं घुसता मैं वो मुझे पता भी नहीं होता यकीन करें अच्छा एक क्लिप बाहर आया मिसबा हक का जो वो बता रहे हैं कि यार सुहेल खान ने चौका खुद करा दिया बाउंड्री बाउंड्री पे खड़ा था तो चौका करवा दिया कि यार कि भाई यार वो ये, प्लेयर ये पांच रन बनाने वाला था मगर वो क्या मुझे है? याद आया नहीं है। इस मैच में जब मिसबा भाई ने मुझे मेडॉप पे खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया सामने बहुत लंबी होती है ना अच्छा, तो जैसे वो सीधा उसने शार्ट मार दिया तो मैं और मिसबा भाई एक साथ भागे अच्छा मिसबाउल थे हाँ मेरे साथ मिसबाउल है तो मैं मिसबाउल भाई से ना थोड़ा सा आगे निकल गया ठीक है मैंने जोर लगा मगर मैं ओवर कर चुका था एक बिल में और बाउंड्री भाई वो बहुत लंबी होती है तो मैं तो नहीं रोक सका ठीक है मगर मिजबा भाई ने भी हिम्मत छोड़ दी, भाई आप रोक लो अच्छा। आप भी तो साथ भाग रहे हो ठीक है, तो दरअसल वो मुझे याद इतना नहीं है हाँ। मगर ऐसा कुछ हुआ था आपने चौका भाई करा दिया था मिशबा भाई जो बोले ऐसा कुछ हुआ था मगर मुझे याद नहीं है। चौका हो गया था चौका तो हो गया आप मुझे बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा कि इतने बड़े ग्राउंड होते हैं थ्रो भी डायरेक्ट नहीं, नहीं, नहीं आम, आम, आम थ्रो जब करते हैं तो हम कोशिश करते दायरे में जो लड़का खड़ा हुआ उसको फेंक दे उसके बाद फिर वो कीपर को की कोई बेस बॉल है या वो उसके लिए वो लोग ग्राउंड यूज करते है ना अच्छा भी खेलते हैं वो अच्छा अच्छा तो वो काफी स्ट्रेट बहुत लंबा होता है मतलब ऑस्ट्रेलिया में छक्केज नॉट सी सीधा छक्के मारना आसान काम सीधे छक्के सीधा नहीं हमारे बैट्समैन मारते हैं मगर सिर्फ बाउंड्री को पार कर उसके लिए आपको बहुत तगड़ा होना पड़ेगा मसलन कौन शाहिद अफरीदी शाहिद भाई हाँ ये एक प्लेयर था जो ये शाहिद अफरीदी तो इधर भी भाई ग्राउंडों के ऊपर से फेंकता था यार अच्छा हाँ जब जब मैं मतलब ये शाहिद भाई हम लोग जब पाकिस्तानी कैंप लगते थे तो यकीन करो शाहिद भाई की बैटिंग पंद्रह से बीस मिनट की बैटिंग होती थी मगर हम खुद खड़े हो जाते थे कि यार किस क्योंकि तीन नट्स लगे हुए होते हैं ना इस नट पे अगर वो जाए और मैं इधर बॉल कर रहा हूँ तो हम उधर बॉल रोकते थे और शायद भाई को देखते थे कि अब क्या करेगा ठीक है तो शाहिद अफरीदी वाद एक बैट्समैन ऐसा था जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट ही तेज कर दी जैसे सईद भाई था सईद अनवर सईद अनवर जैसे उसने शुरू की और फिर उसके बाद शाहिद भाई ने पकड़ ली तो शाहिद भाई तो आज भी वैसे ही यकीन करो चक्के मारते तगड़ा बहुत तगड़े चक्के मारता है यार शायद भाई वाकई हिटिंग में उससे दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जो उसके हिसाब से मतलब छक्के मारते हैं सुहेल खान आपने पांच आउट किए इंडिया के 2015 वर्ल्ड कप जी जिसमें रोहित शर्मा धोनी सुरेश रैना और अल्लाह आपका भला करे दो आप भी याद कराएं मुझे धोनी धोनी हो गया रोहित शर्मा हो गया हो गया रेहाना हो गया हो हो गया हो गया और और एक एक नाम ऐसा और भी है मैं भी भूल गया हूँ वांडिया तो नहीं था <laughs> पांड्या का तो पता ही नहीं था उस टाइम अच्छा पांच आउट किए जी उसमें सबसे अच्छी और मुश्किल विकेट किसकी थी जो आप कह रहे हैं यार ये गया ये बला हाँ बिल्कुल मेरा जो पहला प्लान था ना क्योंकि मैं नया बॉल करता हूँ ठीक है और बैट्समैन सामने आता है रोहित शर्मा तो मेरे प्लान ही यही था कि अगर मैं इसको निकाल दूँ ना तो रोहित शर्मा की बैट रोहित शर्मा को उसका वजह यह है कि वो बड़ा लेट खेलता है और बड़ा टेक्निकल बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि एक बॉलर को पता चलता है कि हाँ कोई बैट्समैन सामने खड़ा हुआ है ठीक है कोई बैट्समैन खड़ा हुआ है ये नहीं जान छुड़ाने वाले नहीं है जान निकालता है वो बॉलर की उसके पास बहुत टाइम है जब वो खेलता है आप उसको डेढ़ सौ पे बॉल करो वो उसी तरीके से आके चक्का मारता है आप मतलब एक सौ बीस पे बॉल करो तब भी वो ऐसे ही खेलता है तो वो वाहिद एक प्लेयर है जिससे मुझे डर लग रहा था कि यार अगर ये कड़ा होगा ना तो ये डबल हंड्रेड वाला है ये सौ भी नहीं करेगा नहीं। तो शुक्र है उसको तो उधर ही आउट कर दिया फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबसे ज्यादा कौन से मुल्क की ऑडियंस मैच देखने आती है इंडिया इंडिया पूरा ग्राउंड नीला हुआ हुआ होता है वो नीला होता है क्या बताऊँ मगर ये कि इंडिया के जितने लोग आते हैं ना वो पाकिस्तानियों से प्यार भी करते हैं अच्छा हाँ लोग बहुत अच्छे हैं क्या प्यार किस तरीके मतलब कि इज्जत देते हैं रिस्पेक्ट प्लेयर से जब मिलते हैं तो बड़ा इज्जत मिलती है हमें वही यकीन वही। करो हमारे पाकिस्तानी भी तो ऐसा वाकया जिस पर आप बोल रहे यार बड़ी इज्जत मिली है हाँ इंडियन क्राउड जितना है वो बड़ा इज्जत देता है कभी गलत बात मैंने मतलब ये बोला होगा इंडिया में कई प्लेयरों को मगर जब जैसे मैं बाहर क्योंकि बाहर जितनी भी वो लोग रहते हैं वो काफ़ी भीषण और अच्छे हैं नहीं नहीं ये तो देखिए कहने कहना उसकी ये नहीं कर रहा अच्छे लोग मैं आईफा अवार्ड अटेंड करने गया अबू धाबी में तो मैंने यही देखा कि वो जेंट्री आई हुई थी इंडियन क्योंकि टिकट इतनी महंगी थी पाकिस्तानी ढाई ढाई लाख रुपए की तीन की, तीन लाख रुपए की टिकट थी और अगर आपने वो सलमान खान के क्यों में बैठना है उस सर्कल में तो बारह तेरह लाख रुपए की टिकट थी आईफा अवार्ड में इतनी अच्छी ऑडियंस थी सुल खान कम अज कम मेरा ख्याल है कोई पच्चीस हजार बीस हजार बंदा था उस अरीना में पूरा एमरिट्स लॉन्ग वो था एमरिट्स के नाम से कोई वो था एरिना तो मैंने कहा यार ये ऑडियंस बड़ी अच्छी है जो आपकी बात से मुझे अक्स हो रहा है ना वो यही है इंडियन ऑडियंस जो है ना है अच्छी वो चीज़ों को एंजॉय करती है तो ये चीज़ है ये तो कुछ लोग है बस इंडिया में बैठे हुए हैं टीवी पे बैठ के जो आप बता रहे हो कि यार वो क्या नाम बताया कि वो गंबीर। गौतम गंभीर गौतम गंभीर हाँ वो मतलब एक बातें बातें मत हाँ वो उनके मीडिया के बंदे हैं ऐसे कोई उनके मीडिया के बंदे आ, हैं जो होते हैं नेगेटिविटी फैला रहे हैं कड़वापना फैला रहे हैं और नेगेटिव व्यूज ले रहे हैं मामूली लोग होते हैं मामूली हरभजन हो गए ये हो गए और वो गौतम गौतम गंभीर सहवाग हो गए ये चार पाँच लोगों की है हैं है बस ये ऐसे अपने आप को बस समझते हैं कि हम बड़े तीर मर खान हैं आगे okay, आगे okay. क्या है <laughs> वो भाई ऐसा नहीं करो इतना नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> तो आपकी इंग्लिश पे मैं आना जा रहा हूं। आप जाहिर मैन ऑफ द मैच भी बने हैं बहुत दफा नहीं नहीं आप आप अगर आप मेरे इंग्लिश पे आ रहे हो ना तो हम मैं ये मेरी मर्जी है मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दूँ बिल्कुल हमारे पास ट्रांसलेटर खड़ा होता है ठीक है वो आ जाता है हम उर्दू में इंग्लिश ना ना कोई अकलमंदी की अलामत नहीं है इंग्लिश आना कोई अकलमंदी की अलामत नहीं है या इंग्लिश ना आना बेवकूफी की अलामत है तो ये चीज नहीं होती है वो बंदा परफॉर्मेंस पांच आउट करके बैठा हुआ उसे इंग्लिश नहीं आ रही फंस रहा है नहीं। तो आप ट्रांसलेटर ले लें तो नहीं ना? होती है हमारे पास ऐसे ही होता। अच्छा आ, ऐसे ही सब कुछ होता अच्छा मैन ऑफ द मैच का आज तक कौन सा अवार्ड है जो सबसे बड़ा आपको लगा यार ये तो सबसे बड़ा अवार्ड है मजा आया पैसों में या गाड़ी कभी मिल गई हो या बाइक मिल गई हो या कैश प्राइज मिल गई मैं मैन ऑफ द मैच क्योंकि पाकिस्तान से मैं जितना कहलाऊ आ, मतलब भी मैंने आउट किए मैं मेरे ख्याल से इंडिया के अगेंस्ट पंजा मैंने आउट कर दी मुझे मैन ऑफ द मैच ही था मैं मगर हम मैच लूज़ कर गए आ, फिर मैं इंग्लैंड में एक टेस्ट में मैंने पाँच आउट कर दी वो भी हम लूज़ कर गए मगर जब दूसरे टेस्ट में मैंने पाँच आउट कर दी और हम वर्ल्ड नंबर वन बने टेस्ट टीम जो मिसबा भाई कप्तान थे तो उसमें यूनस भाई ने डबल हंड्रेड की तो वो मैन ऑफ द मैच भी गया अच्छा ठीक है तो ऐसे आ, मतलब ये कि बाकी डोमेस्टिक में कई बार मैं अलहदुल्ला हुआ हूँ पी के, पी एस एल में मैं बेस्ट बॉलर था सीज़न टू में तो उसमें मुझे अच्छे अवार्ड मिले थे बाकी डोमेस्टिक में अलमदिल्ला बड़े बड़ी इवेंट में जैसे फाइनल हो उसमें मैं अक्सर मैन ऑफ द मैच होता हूँ जैसे अभी खरन टीम में नेशनल टी ट्वेंटी में बेस्ट बॉलर भी था और फाइनल में मैं मैन ऑफ द मैच भी बेस्ट बॉलर भी था तो वो भी एक बड़े इनाम थी तो ऐसे बहुत मिलता रहता अच्छा इंडिया में खेलने की ख्वाहिश क्योंकि मुझे लगता है आप इंडिया में नहीं खेले जाके नहीं मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं है खुदा की कसम इंडिया में खेलने इंडिया खेलने की ना, मेरी नहीं है क्यों वो भाई मैं खेलने की ख्वाहिश रख दूँ तो मैं लॉर्ड में खेलू इंग्लैंड में मैं ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में खेलूँ अब इंडिया में मैं क्या करूँगा यार इंडियन तो क्राउड इतना आता है इंडियन नहीं भाई क्यों शोर शराबों में इधर नहीं अच्छा इंडिया खेलने की ख्वाहिश ना, ना क्रिकेट तो असल अगर आप खेलना चाह रहे हो तो आप इंग्लैंड में खेलो अच्छा क्राउड देखो आप क्रिकेट का मजा देखो जो उस लोग समझते हैं इधर तो सारे नाराबाजी कूँ ये वो अभी तो आप कह रहे थे सुहेल खान इंडियन क्राउड बहुत अच्छा है कहाँ कि ये, ये बाहर से ही होते हैं बाहर होते हैं बाहर इंडिया भी इंडिया में नहीं अच्छा जो इंडिया से बाहर जो शिफ्ट हो गए वो लोग वो ठीक है हाँ मैं इंडिया में मतलब ये मेरा कोई ख्वाहिश नहीं थी इंडिया में खेलने की यकीन करो यार दूसरी बड़े बात बड़े। है कि मैं करूँ बॉलर क्यों ख्वाहिश करूंगा फिटना है मुझे उधर वो पिचेस कैसे बनाते भाई क्यों क्या होता है डेड विकेट्स मतलब बैट्समैन के लिए विकेट बनाते हो बैटिंग पिच हाँ, बाउंड्रिया छोटी होती है बस वही लेकिन यार ये भी तो चैलेंज है ना आप बैटिंग पिच पे परफॉर्म करें ना पे बॉलर बॉलर करके दिखाए परफॉर्म आउट करें पांच आउट ये हमारे पाकिस्तानी बॉलर उधर पंजे लगाए शुभ अख्तर ने विकटों से बगाए भगाया नहीं भगाए विक्टो से इन लोग के बैट्समैन भाग गए इन लोगों ने बड़े फ्लैट व्लेट करा दी मगर हमारे पास तो बॉलर एक से एक है मगर मैं अच्छी जगह पे जाने की कोशिश करूंगा मैं इंडिया क्यों जाऊं यार इंडिया भी अच्छी जगह है खैर सुहेल खान ये तो आपकी अपनी अपनी पसंद की शाहिद अफरीदी ने एक, एक स्टेटमेंट दिया था कि हम क्रिकेट सबसे ज़्यादा इंजॉय इंडिया में करते हैं भाई मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि इंडिया के लोग अच्छे हैं ये तो बस दो चार जो आपने नाम बताए वो बस वही मतलब ये नाम भी नहीं लेना चाहिए अच्छा हाँ बाकी वो ऐसे बस माहौल ख़राब कर रहे हैं बाकी तो हमारे पड़ोस में हम चाहते हैं कि हम आना जाना हो प्यार मोहब्बत और चीज़ हो मगर जब वो नहीं चाहते तो हमारे पैर पे किसी ने कोई पत्थर रखा हुआ वा। <laughs> क्या सादा आदमी यार खुश रहे खुश रह आ, इंडिया की चलो ख्वाहिश नहीं है क्रिकेट खेलने की लेकिन वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे हीरोइन है बड़ी बड़ी वो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि सुहेल खान का अगर कोई हीरोइन क्रश है तो कौन है यार खुदा की कसम ना, ना ये लगा झूठ ला बोलो आग लग जाएगी सोफे में मैं, मैं अगर कई मूवीज या ये चीजें मैं नहीं देखता मैं बिल्कुल और फिर तो ये चलो तो चलो कोई भी आजकल भाई आप इंडिया के कोई मूवी या कोई प्रोग्राम कोई ड्रामा अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते अच्छा वो इतने उस लोगों ने वो मतलब मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं रहा आप नहीं देख सकते अच्छा कंटेंट हाँ, हम माशादुल्ला मुसलमान हैं हम कोशिश करते हैं कि हम जरा अपने तरीके से जिए अच्छा इस तरीके से हमने ये तरबियत नहीं सुहेल खान जैसे पुरानी मूवीज थी शाहरुख खान है सलमान हाँ। है आमिर खान है हाँ, ये ये दो तीन एक्टर अमिताभ बच्चन ये अच्छा बेहतरीन ये तो मर्दों में हो गए इसी में औरतों भी औरतों को कर लो हाँ, 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 माधुरी हाँ, है ऐश्वर्या राय है करीना कपूर है काजोल है ठीक है मैं ज्यादा नहीं देखता यकीन करें मैं मूवीज इनमें इन अगर तीन चार लड़कियों में बताएं सुष्मिता सेन है, है। दिल भर दिल पर ये वाला आइटम चेक किया नहीं यार ये, ये नहीं, नहीं? नहीं लेकिन अगर नहीं। कोई भी एक कोई कोई नहीं

समझ रहे हैं बात को इतना सब कुछ अचीव करने के बाद वो जमीनी सतह पे रहना कबूल कर रहा है कि यार मैं तो उस बंदे को सलाम है और खाने में क्या पसंद है सोहेल खान ये तो बताए ना हाँ जब खेलते थे तो उस टाइम हम कोशिश करते बारबेक्यू खाने की ठीक है हाँ मगर यह कि मैं जब ट्रेनिंग तगड़ी करता हूँ तो मैं कुछ भी खा लेता हूं भाई मतलब ये जो कई बिरयानी हो या कई कढ़ाई हो तो वो भी खा लेता हूँ no अच्छा आपकी बैटिंग हो रही होती है ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम बैठी होती है तो कुछ निबलिंग वगैरह चल रही होती है खा खाए मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में जब तक मैचेज होता है तब तक एक भूपा लगा हुआ होता है भूफे होता है अब भूपे होते हैं उस पर हर खाना बार आप कुछ भी खाओ आप कॉफ़ी पिओ आप चाय पियो आप हर चीज़ फ्रूट वग़ैरह सैंडविच हर चीज़ एक साइड पर लगी हुई होती है आपको खाने पीने में पाकिस्तानी टीम में कोई मना नहीं है मना नहीं। मगर हर प्लेयर अपना केयर करता है वो चीज़ खाता है जिसको जिसको जितनी ज़रूरत होती है बस बाकी आप कुछ भी आपको हर चीज़ अवेलेबल है पाकिस्तानी टीम में आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी अच्छा हाँ आप बाहर जाना चाह रहे हो आप घूमना फिरना चाह रहे हो हर चीज़ इतने माशाला से हम बाहर मुल्क जाते तो इतने पाकिस्तानी इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग ठीक है वो ज़बरदस्ती हमारे मैनेजरों को सबको बोलते हैं कि यार इन लोगों को हम, हम, हम इन्वाइट कर रहे हैं घर पे बुला रहे हैं खाना खिला रहे हैं तो हम उन चीज़ों से भी मतलब कि फारग नहीं होते तो खाने पीने का कोई आ, दिक्कत नहीं होती अच्छा क्रिकेट के अलावा भी कोई बिजनेस कोई कारोबार कोई ऐसा चीज़ जो शुरू की हो इसको छोड़ दे अच्छा है ऐसा मतलब है ठीक है और मतलब है गाड़ियों वाड़ियों का शौक़ भी होगा मुझे है आ, मुझे है माशा कौन कौन सी गाड़ी रखी हुई है हाँ रखी नहीं है एक ही रख रहा हूँ गाड़ी अच्छी जब उसको चला लेता हूँ फिर दूसरी खरीद लेता हूँ अब मेरे पास है लेक्सिस फोर फिफ्टी

वन टू फाइव जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने जो ख़रीदा है हाँ मेरे ख्याल से उसकी बाईस तेईस साल हो गए वो आज भी मेरे घर पे खड़ी हुई है जो मेरे पहली पहली, पहली कमाई पहली से जो मैंने हाँ, पहली जो मैंने वो की किए उसको अभी भी हम बनाते रेडी करके घर पे खड़ी कर देते अपने किसी खिलाड़ी से झगड़ा हो गया हो कोई मुँह मारी हो गई हो कोई ऐसी चीज़ कोई याद हो यार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई आके उसने भी कोई ऐसी कड़वी बात कर दिया भाई तू तो चुप कर वैसे भी नहीं हो रहा तू भी हाँ ये तो ये तू तू मैं मैं तो चलता रहता है आपस हाँ। में क्योंकि देख जितने हम प्लेयर हैं ना ये वहाब हो गया यासिर शाह हो गया बहुत सारे प्लेयर हैं ठीक है ये हम तकरीबन पंद्रह बीस बीस साल से एक साथ खेल रहे हैं ठीक है साल में बारह महीने बारह महीने में से आठ महीने में एक साथ होते हैं ठीक है? तो है एक होटल में होते हैं होटल में एक कमरों में रोमेंट होते हैं फिर साथ रात में खाना खाते हैं ये वो तो तू तू मैं तो हमारी सबकी नेचरों में होता है वो तो हम बोलते रहते हैं मगर ऐसा अलहमदुल्ला कोई हाथापाई या कोई ऐसी ये चीज़ हम नहीं करते अच्छा, अच्छा क्योंकि अच्छा। कम अज़ कम आपको इतना आ, ऐसे जगह पे आप जब होते हो टीम में तो आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए अच्छा सुहेल खान आपकी मनपसंद टीम कौन सी है पाकिस्तान से तो देखें आप खेलते हैं लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड है ऑस्ट्रेलिया है इंडिया है वेस्ट इंडीज है सारी टीम है न्यूजीलैंड है आपकी फेवरेट यार मेरे फेवरेट टीम जो है ना वो इंग्लैंड इंग्लैंड हाँ वो बड़ी बैलेंस और बड़ी सोच समझ के वो लोग टीम बनाते हैं हाँ वो बड़ी वो वो ट्राई करते हैं हर चीज़ को ना वो आ, अगर जैसे वो अभी टेस्ट खेलने आए उन लोगों ने एक ट्राई कर दी कि हम ऐसे करेंगे और इन ऐसा मतलब ऐसा होगा ठीक है वो लोग ऐसे सोच के आते हैं तो वो जब जो सोच के आते हैं वो फिर हो जाता है जैसे वो आए थे और उन लोगों ने जो मार क्योंकि उस उन लोगों को पता है कि जब भी हम जाते हैं हम इधर रोकते हैं हम आउट हो जाते हैं उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया हमें हमारी लाइन लेंथ खराब आठ के एवरेज से खेल के है? ये रिकॉर्ड है रिकॉर्ड बनाते हैं रिकॉर्ड बनाते हैं मार मार के सुलझा दिया और मतलब ये कि थोड़ा सा हम भी अभी से बहुत कुछ सीखा अभी हम भी कोशिश करेंगे कि हम तेज खेले अच्छा खान साहब कौन से बैट्समैन को बॉल कराते हुए डर लगता है कि यार ये चौका ये चौका पीछे से कट यहाँ से कट ये छक्का ये ऊपर ये ये बैट्समैन से बैट्समैन से यार ऐसा तो एक एक बैट्समैन हुआ करता था वो शाहिद अफरीदी थी। ठीक है उससे हमें डर लगता था मगर आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल से ऐसा कोई बैट्समैन अलहमदिल्ला मेरे सामने कोई नहीं है मैं किसी से मैं नहीं डरता वो डरते हैं कि ये कौन सा बॉल करेगा अंदर स्विंग लाएगा बाहर निकालेगा स्लो वन करेगा कटर मारेगा स्लो बाउंसर करेगा ये क्या करेगा तो कोशिश आजकल यही है कि बैट्समैन मुझसे थोड़ा सा खासकर मैं ज़्यादातर डोमेस्टिक गेम खेलते हैं तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से एक शाहिद अब्री था जो ये काम कर सकता था कि हम कभी कभी इधर देखते थे उधर अच्छा बाबर आज़म इस टाइम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर बाबर आजम फ्यूचर आप किसको कप्तान देख रहे हैं इस टाइम टीम में किस में ऐसी एबिलिटी है जो कि कप्तान बन सकता है कप्तान वाले स्किल्स हैं ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है ये मैं अपना पर्सनल अपना एक, एक बता सकता हूँ मगर मैं ये नहीं कि मैं हंड्रेड परसेंट सीट हूँ ये आपने सवाल किया की बात थोड़ी आपने बात सवाल किया मैं ये नहीं कर रहा है कि वो बनाएं बनाए नहीं मैं सिर्फ आपको पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूँ मुझे जो उसके बाद अगर किसी में बाबर आजम अभी बाबर आजम तो बिल्कुल ठीक है ठीक है बैट्समैन भी है आजकल थोड़ा कड़क भी आ रहा है लड़कों पर ठीक है पहले नहीं था पहले बहुत मतलब है कि बच्चा बच्चा और अपने आप को सीनियर के रेस्पेक्ट कर रहा था मगर अब बात आ गई मुल्क की ठीक है तो ये सीनियर और जूनियर जो भी है उससे वो काम लेगा ठीक है।, है जैसे विराट कोहली इंडिया में आया और उसने टीम को एकदम तब्दील कर दिया तो इसको भी ऐसा करना पड़ेगा ठीक है और खर रहा है मेरे ख्याल से अभी लगा हुआ है इसलिए लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा दूसरी बात ये कि उसके बाद अगर मुझे किसी में ऐसा जो नज़र आ रहा है जो पाकिस्तानी टीम को ऊपर ले जाए वो है शाहीन शाहीन शाह शाहिनशाह ये मेरे अपनी ओपिनियन है बाकी कप्तान तो हमारे माशाल्लाह से एक से एक बैठे हुए होते हैं अच्छा अच्छा कप्तानी बॉलर ज़्यादा अच्छी कर लेता है या बैट्समैन दोनों दोनों इसका और हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से कि बैट्समैन ने भी अच्छी कप्तानी की और बॉलर ने भी इमरान खान इमरान खान वसीम अक्रम वसीम अक्रमार यूनस ये बॉलर फास्ट बॉलर ठीक है और उसके बाद आप फिर बैट्समैनों को देखें यूनस खान जो वर्ल्ड कप जीते आपको ठीक है शाहिद अफरीदी का अच्छा कप्तान हाँ। यार यूनिस खान साहब अल्लाह आपको जजाय खैर दे यार बहुत अच्छे मेरे फेवरेट हाँ। यूनिस खान तो नो डाउट वो तो आजकल मेरे ख्याल से मीडिया पे बहुत कम आ रहे है क्योंकि यूनिस भाई ऐसे बंदे हैं कि उसका कोई पता नहीं चलता वो आपके साथ मतलब भी बैठा हुआ होता है मगर वो उसकी दिमाग ना आर्मी टाइप का होता है एकदम गुस्सा भी कई तो मतलब है, है? नटो पे हैटो से भगाया उसने मुझे हाँ मत करो बैटिंग निकल जाओ भैया निकल जाते <laughs> रेस्पेक्ट तो उसकी अपनी जगह ऐसा है बंदा ऐसा है मैं सबकी भाई कोई भी हो नहीं मैं उसकी बात नहीं करा पठान है उर्दू उस पी गया कोई भी हो मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त राशिद लतीफ़ का करता हूँ ओह वो पठान है ये बात नहीं है पठान वठान नहीं राशिद भाई जब मैं कराची में आया ये नहीं कि मैं उसकी तारीफ है जो है वो आपके सामने है राशिद भाई ने हमें यकीन करो ये क्रिकेट की दुनिया ही दिखा दी कि बेटा ये लाइन है इस तरीके से जाओ आप कामयाब हो जाओगे आज भी हर रोज़ तकरीबन ये मोबाइल जब से मेरे पास आया ना तो राशिद भाई का सुबह ज़रूर हम मेरे पास भी आ रहा होगा पाकिस्तान में कई प्लेयरों के पास जो इसके करीब है वो उसको सलाम भेजता है हर रोज़ सुबह जब हम उठते पहले एस एम एस व्हाट्सअप पर आते हैं भाई राशिद भाई का सलाम वाह खुश रहे भाई हाँ और हम रिटर्न जवाब देते तो ये नहीं है रेस्पेक्ट तो उसकी अपनी जगह ये तो क्रिकेट पे बात हो रही है ये तो एक उसकी अब हर किसी की अपनी अपनी नेचर है आज तक मुझे राशिद भाई गु़स्सा नहीं हुआ आज तक मैं उसके साथ खेल खेल के उसकी अकेडमी से उसके साथ पोर्ट कासिम में उसके कोचिंग में हर जगह आज तक तो गुस्सा नहीं हुआ राशिद भाई क्योंकि भाई हमसे गलती हो जाती है कभी बॉल इधर फेंकते कभी बाउंसर करते कभी गलत बॉल कभी गलत जगह पे एक दिन मैच में एक रन चाहिए ठीक है और मैं अगर ऐसे रोकूँ तो मैं रन लूँ और जीत जाऊँ और वो मुझे बाउंसरे करे और मैं चलाता रहूँ चलाता रहूँ तो उसने मुझे बोले क्या जरूरत है जो आगे कर लेगा रोक देना दो बाउंसर कर देगा एक बाउंसर करेगा उसके बाद तो कर ही नहीं सकता मैं थप भी मारा मैं आउट हो गया वो हमेशा मार गए हंस रहा था मैं बोले कब सीखेगा पागल क्रिकेट कब सीखेगा क्या और बार? वो बात आज तक मुझे याद है उसके बाद में मैंने ऐसे गलती नहीं की मैंने कहा एक रन रह रहा है मगर आखिरी विकेट भी तो है मुझे इतनी कॉन्फिडेंस थी कि मैं छक्का मार लूंगा नहीं हो सका हार गए अल्लाह आपको जजाय खैर दे आपके आने का बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका बैठने का आपका बात करने का बहुत शुक्रिया एक होता है मोज़ खुवात हजरात नकली और एक होता है असली नकली तो आपको तादाद मिलेंगे बाहर जाए माशरा भर, भरा पड़ा है नकलियों से लेकिन जो नस्ली है ना वो आपको कहीं कहीं मिलेगा असल कहीं कहीं मिलेगा ये मेरा भाई देसी घी है प्योर <laughs> जो मुंह में आया बोल दिया खुश रहे आबाद रहे आपका दिल साफ है आपके साथ बैठ के के आपसे बात करके ये एहसास हुआ कि मैं एक सच्चे दिल के, साफ दिल के आदमी से मैंने बात की और मुलाकात की बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मौजिद खावतन हजरात इस पॉडकास्ट को इख्ताम करेंगे इस यकीन और इस अपने बन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और सुहेल खान को दीजिए इजाज़त अलाफ